तो उधर सिक्किम में सिंगताम के बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बादल फटने की ये घटना उत्तरी सिक्किम के झील के पास से आई है। आपको बता दें कि 23 कर्मचारियों के लापता होने की खबर भी मिल रही है और कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबने की खबर भी मिल रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया है और मौके पर तलाशी अभियान भी जारी है। देखिए स्थिति भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके के वहां पर हालात बन चुके हैं। और बताया जा रहा है कि सिक्किम में बादल फटने की वजह से ये हालात वहां पर बने हैं। कई लोगों के लापता होने की खबर भी मिल रही है, गाड़ियां भी वहां पर डूब चुकी है। फिलहाल मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम सिंह भी पहुंचे हैं, जायजा उन्होंने स्थिति का लिया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान भी जारी है, वहां पर जो लोग लापता हुए हैं उन्हें लेकर के खोज की जा रही है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सिक्किम में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति आई है। और ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, बताया जा रहा है कि अचानक से जैसे बाढ़ की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है, कई लोग लापता होने की स्थिति वहां पर बनी हुई है, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गुवाहाटी का जो रक्षा पीआरओ है उनकी ओर से जो फिलहाल जानकारी दी गई है आधिकारिक रूप से वो यही दी गई है कि उत्तरी सिक्किम में लहनोक झील है उसके ऊपर अचानक से बादल फटने से पहले कहीं लाचेन घाटी में तिस्ता नदी में अचानक से बाढ़ आ गई और इस घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी भी पूरी तरीके से जानकारी ली जा रही है कि कितने जो कर्मी हैं वो लापता हैं, खासतौर से सेना के कर्मियों की अगर हम बात करें। सबसे बड़ी बात है कि कुछ वाहनों के भी कीचड़ में डूबने की खबर आ रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण जो जानकारी है वो मिल रही है कि सेना के करीब 23 जवान अभी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि इन जवानों के लिए जो टीमें हैं खोजने के लिए वो लगाई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो नेता हैं उनके भी बयान निकलकर सामने आए हैं पूरी घटना पर। एक तरीके से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पे मौके पर कहीं ना कहीं पहुंचे हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमको सबका सहयोग चाहिए। और इसके साथ ही क्षति का आकलन अभी नहीं हो पाया है कि कितना क्षति हुआ है, लेकिन सिक्किम के लोगों की मदद करने की अपील कहीं ना कहीं सिक्किम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर खापा की ओर से कहा गया है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी ने भी बाकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि इस बादल फटने की घटना के बाद जो जवान लापता है उनके लापता होने के बाद बेहद ही चिंतित हैं ममता बनर्जी और कहीं ना कहीं एकजुटता के लिए उन्होंने अपील की है और लोगों की मदद करने के लिए लोगों से अपील की है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को उत्तर बंगाल में भेजा गया है, ये भी ममता बनर्जी की ओर से जानकारी दी गई है। और किस तरीके से वहाँ पे राहत बचाव कार्य किया जा सके इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार वहाँ पे काम कर रही है। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।